हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हमने वापस से मैं बुक लेके आई हूँ आपको और बुक करवाने वाली हूँ। तो राकेश यादव सर की जो बुक है उसमें मेंचुरेशन अपना चल ही रहा था और 2D वाला पार्ट लगभग हमने 250 क्वेश्चन कर लिए थे, तो ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको भी हम करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे 251 से अगले वाले क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ बच्चों को ये रहता है कि मैम पता नहीं बुक जो है बीच में छोड़ ना दे, इस वजह से मैं बीच बीच में बुक भी लेके आ रही हूँ। और ये जो अपना पेपर चल रहा था, पेपर के लिए मैंने एक साथ क्लास करवाई है। अभी जो सैटरडे आएगा यानी परसों के दिन आपकी जो क्लास होने वाली है, वो जितने भी एडवांस मैथ में क्वेश्चंस पूछे गए थे सारी कंप्लीट मैं एक साथ लेके आ रही हूँ। तो हो सकता है अर्थमेटिक का भी एक साथ ले आए, तो हम 2 दिन में ही कंप्लीट पढ़ लेंगे। इस वजह से मुझे लगा कि इस बुक को भी बीच बीच में करवाते रहना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन लगा दिया जाए आप सभी के सामने। तब तक आप क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर करना तो बनता है, शुरू में शेयर भी करके आ जाए करो क्लास को। तो आज की क्लास का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 251 ये लीजिए। बताइए क्या हो सकता है। देखो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास लाइक नहीं करी है, ईमानदारी से क्लास लाइक करो और फिर कंटिन्यू हम चलते हैं। पहला सवाल मैंने लगा दिया है और पहले सवाल का सभी बच्चे आराम से आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ, ठीक है, एन इक्विलेटरल हेक्सागन, यानी आपका हेक्सागन जो है वो समान है। तो आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है, अगर उसकी साइड 14 है तो उसका एरिया कितना होगा। फॉर्मूला सभी को पता है, नहीं पता तो ये ध्यान दे लो कि ये इक्विलेटरल वाला हेक्सागन है। इक्विलेटरल यानी समबाहु, समान भुजाओं वाला रेगुलर हेक्सागन है ये। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे ए आ रहा है, डी आ रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं। कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो बताइए क्या हो सकता है। तो सभी बच्चे अलग अलग दे रहे हैं, डी भी आंसर है और सी भी आंसर है और ए भी था वो हट गया है। ओके तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, ये देखिए एरिया जो है वो हो जाएगा आपका अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। ओके 6 इंटू अंडर रूट 3/4। देखो वैसे तो 6 का मल्टीपल है, इसमें 6 बोले तो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल ये आपका होगा ये नहीं होगा, इस वजह से हटाओ। ये होगा क्या, ये हो सकता है, ये हो सकता है, इस वजह से थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। फिर 7 का भी ढूंढना पड़ेगा और 7 के भी 2-4 मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। साइड कितनी है तो 14 × 14 ये लीजिए, काटोगे तो यहाँ से आएगा 7 × 7 49 × 7 तो 9 × 6 = 54। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी 294 अंडर रूट में क्या आएगा 3 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ऑप्शन डी राइट आंसर आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, डी करेक्ट है। ओके कब पता चल गया, कैलकुलेशन मिस्टेक है, ऐसे छोटी मोटी मिस्टेक मत किया करो आप लोग। अगले सवाल पे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपका, देखिए कितना टाइम लगाएंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए आपको, 250 क्वेश्चन करवा दिए और 2D के अंदर 250 का मतलब है सारी की सारी चीजें आ गई है देखा जाए तो एक तरीके से। बट ये कि ये 2020 तक के आए हुए क्वेश्चन हैं और जो आगे के क्वेश्चन हैं वो चल ही रहे हैं अपने, यानी कुछ अगर आपको नया पढ़ना है तो आपको फिर आपको प्रीवियस ईयर जो 2021 वाला है उसको भी देखना पड़ेगा। ओके तो ध्यान देना सारे बच्चे, वॉट विल बी द एरिया ऑफ दैट रोम्बस इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, लेंथ और डायगनल क्या है 12 एंड, अच्छा लेंथ जो है उसकी डायगनल की वो है 12 एंड 14 है। तो ये तो कितनी देर लगाओगे आप इसको, क्या है आपका डायगनल आपको गिवन है तो एरिया क्या होता है 1/2, दोनों डायगनल का मल्टीपल कर दो, दोनों डायगनल का मल्टीपल करके आधा कर दो, कुछ भी बोल सकते हो इसको। दोनों डायगनल का मल्टीपल करोगे तो 12 × 14 इसका आधा करना है, तो 12 को आधा कर दो या 14 को आधा कर दो, मैंने 12 को आधा कर दिया तो कितना आएगा 14 × 6 कितना होता है 84, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर जिन बच्चों को नहीं पता, तो एरिया जो होता है रोम्बस का, ध्यान देना, समचतुर्भुज का वो कितना होता है 1/2 d1 × d2, तो क्या हो जाएगा 1/2 12 × 14, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 84। ठीक है, क्या आएगा 84। नेक्स्ट मैम ऐप, आप ऐप पर मैथ के क्वेश्चन पेपर डाल दो ताकि मैं टाइम के साथ दोबारा प्रैक्टिस कर सकूं। देखो आरती पेपर तो जो है ऐप में तो अपने सीजीएल मेंस के करवा रखे हैं मैंने, मैक्सिमम चैप्टर्स में 2018 के और 20 तक सारे के सारे पेपर्स करवा रखे हैं। और रही बात रेशो वाले में, कल मैंने 2021 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो डाल दिए हैं, और बाकी काफी सारे चैप्टर्स में डाल चुकी हूँ मैं वहां पे, आप एक बार चेक करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट वाला सवाल आ चुका है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया ऑफ 6.16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बोल रहा है अगर अगर आपका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है किसका, गोले का, स्फीयर का, वो इतना है तो बताइए डायमीटर कितना होगा, क्या होगा डायमीटर कितना होगा। 0.7 तो नहीं लग रहा, ओके क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीपल तो होगा ना डायमीटर रेडियस का, पर हो सकता है रेडियस ही आपकी पॉइंट में आ जाए, वो केस थोड़ा अलग बन जाता है। तो ध्यान देना यहाँ पे सारे बच्चे, एरिया क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का सरफेस और टोटल सरफेस दोनों सेम होते हैं ना, करो बोल सकते हो उसको, गोले का क्षेत्रफल ये होगा 4πr² और कितना दे रखा है आपको 6.16। ठीक है, ये 22 से कटेगा, 22 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ठीक है 22 × 44 और ये 8 बार कट जाएगा, ओके ये लीजिए पॉइंट आएगा, ये लीजिए ठीक है, फिर आपका ये पॉइंट हो गया, फिर ये आ गया कितना 0.7, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 0.49, देन आर आ गया आपका 0.07, 2R पूछा गया है तो कितना आएगा, ये आएगा 0.14। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट के बाद है तो इसके एक एक पॉइंट कम करो भाई यहाँ पे, ओके ये हो गया तो यहाँ पे एक आ जाएगा, ओके और ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सेंटीमीटर है या मीटर है तो सेंटीमीटर है, ये लीजिए तो क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कट ऑफ तो सीजीएल की भी कम गई है ना, सीजीएल की भी कमी है और कट ऑफ पिछली बार की बड़ी नहीं है, कमी हुई है, इसका मतलब पेपर दोनों ही अच्छे हैं, मैथ का भी अच्छा है, रीजनिंग का भी अच्छा है, सीएचएसएल में भी अच्छा आया था और सीजीएल में भी अच्छा पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल पे आ जी। अगला सवाल देखिए, राहुल बोल रहे हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैम करवाइए, प्रैक्टिस ही तो करवा रहे। 84 नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा तो उनका भी ध्यान रखना पड़ रहा है, ओके है ना, उनका भी ध्यान रखना पड़ रहा है। और सीजीएल के लिए, सीजीएल के लिए सैटरडे को आपकी एक क्लास आ रही है, सैटरडे को जितने भी एडवांस मैथ के क्वेश्चन है, एडवांस के जितने भी हैं, चाहे वो मेंसुरेशन से हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री से हो, चाहे ज्योमेट्री से हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हो, हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्री में बहुत कम रेयर केस में सवाल आते हैं, या फिर आपके हाइट एंड डिस्टेंस से हो, ये सारे के सारे एलजेब्रा से हो, ओके या द्विघात समीकरण से हो, सारे के सारे मैं यहाँ पे करवाने वाली हूँ और ये सैटरडे को एक क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा डी आ रहा है 68, देखो ध्यान देना, एक बोल रहा है कि डायगोनल कितना है 16 है, ओके एंड आपको बोल रहा है साइड कितना है 30 है, तो यहाँ पे बोला गया है कि परिमाप कितना, अच्छा डायगोनल देके परिमाप पूछा गया है तो ये 30 है। तो मैंने आप सभी को पहले भी बताया है किसी भी रोम्बस की भुजा, ठीक है भुजा जो भी अपनी साइड, एंड इन दोनों डायगोनल के आधे यानी 15 एंड यहाँ पे क्या आएगा 8, ये तीनों की तीनों एक ट्रिपलेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं ट्रिपलेट बनाते हैं,
किसी भी रोम्बस की एक भुजा और दोनों डायगनल का आधा कर दिया जाए तो ये एक ट्रिपलेट बनाते हैं। ये 8 हो गया, 15 हो गया, तो कौन बचा यहाँ पे 17, यानी साइड कितनी आ गई आपकी, साइड आ गई 17। पेरीमीटर होता है साइड इंटू 4, पेरीमीटर कितना होता है साइड इंटू 4, तो 17 फोर जा कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो वो ये वाला करेंगे कि 4 इंटू साइड का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका डायगनल का होल स्क्वायर। इससे करोगे तो आपको वही मिल जाएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखो ए साइड का स्क्वायर बराबर इसमें हो जाएगा d1 बटे 2 का होल स्क्वायर, d2 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो वही तो निकला कि डायगनल का पहले आधा कर दो और फिर वो क्या हो जाता है साइड के क्या होता है एक ट्रिपलेट बनता है। क्लियर। अगले वाले सवाल पे आ जी। अगला वाला सवाल देखो, जैसा पिछला सवाल था वैसा की वैसा ये सवाल है। इस और पिछले सवाल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको वहां पे आपको पेरीमीटर पूछा गया था, यहाँ पे एरिया पूछा गया है। कॉन्सेप्ट तरीका वही होगा आपका, बताइए क्या होगा। फेज 9 मैथ की स्ट्रेटजी लाइए मैम। ओके अच्छा, फेज 9 का दे रहे हो क्या आप लोग? राहुल इसकी जो बुक है वो तो डेली इसमें पीडीएफ में डाली जाती है, इंडिया स्टडीज ऐप पर डाली जाती है, लेकिन अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है। रोम्बस जो है उसका पेरीमीटर 80 है, पेरीमीटर यानी परिमाप अगर 80 है तो साइड कितनी होगी, तो आप बोलोगे मैम 20 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में तो सेंटी, ये परिमाप यानी पेरीमीटर की बात कर रहा है। ओके अब आपको बोल रहा है एक डायगनल 24 है, तो मैंने क्या सिखाया था, ये 20 हो गया, डायगनल 24 है तो इसका आधा हो गया 12। तीसरा भी इसका ट्रिपलेट बनाएगा, तो कैसे बनाए 20 और 12, अगर आपको ऐसे नहीं निकल पा रहा कि 20 आ गया 12 आ गया तो क्या आएगा, तो यहाँ देखो 20 जो होता है 5 फोर जा होता है, ये 3 फोर जा होता है, तो आपको पता है 5 3 और 4 ट्रिपलेट होते हैं, तो 4 से आगे भी मल्टीप्लाई हो रखा है, 4 फोर जा क्या आएगा 16, यानी दूसरा वाला डायगनल कितना आ जाएगा 16, दूसरा वाला डायगनल क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आपको एरिया यानी क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा एरिया 1/2, पहले वाला डायगनल है 12, दूसरे वाला 16, काट दो ये लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओके कितना आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल डायगनल 24 और 16, तो 24 एंड 16 यहाँ से काट दो 8 आ जाएगा, तो कितना आएगा 8 4 32, 192 और सेंटीमीटर में स्क्वायर लग जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें सारे बच्चे गलत आंसर क्यों दे रहे, अच्छा 16 दूनी 32 नहीं करा क्या मैंने, ओके तो इस वजह से आ रहा है। ठीक है तो भाई 16 तो आ गया था अपना, 32 तो करो इसको, 32 तो करो, 32 का मतलब इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और ये आ जाएगा 384, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर, सी इज राइट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट पे आ जाइए। क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं नहीं वो सी होगा, बिल्कुल सी होगा, हमने उसको डबल नहीं करा था, डबल भी तो करना था। सीएचएसएल सीजीएल का 2021 में जो पेपर हुए हैं उसको सोल्व करें। भाई इसका तो मुझे पता नहीं है, ओके क्या नाम है दिनेश कुमावत, दिनेश इस बात का तो मुझे पता नहीं है कि नंबर समझ नहीं आया, अभी समझा देती हूँ मैं। ठीक है देखो उसका मुझे आइडिया नहीं है, मैं बात करती हूँ यहाँ पे सर से क्या प्रॉब्लम है उसमें। ओके एंड इस वाले सवाल को आप देखो एक बार, मैं पिछला वाला सवाल जो, इस वाले सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी बच्चे को, पिछले वाले सवाल में क्या दिक्कत है, इस वाले सवाल में मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, आपको बोला गया एक डायगनल 16 है दूसरा 30 है, तो मैंने क्या कहा था डायगनल का आधा जो होता है
और साइड जो होती है वो ट्रिपलेट बनाते हैं। इस डायगोनल का आधा करोगे आठ, इसकी साइड हो गई कितनी अपनी, अच्छा ये क्या दे रखा है, यदि किसी संत, अच्छा विकर्णी दे रखा है दोनों के दोनों, तो मैंने कहा साइड और दोनों डायगोनल के आधे, इसका आठ आ जाएगा, इसका 15, ये ट्रिपलेट बनाएंगे तो ट्रिपलेट होता है 17। ओके ट्रिपलेट क्या होगा, 8, 15 और 17, तो बोला गया आपको साइड कितनी होगी या पेरीमीटर परिमाप कितना होगा, परिमाप होता है 4 × साइड, 4 × 4 × 17 तो क्या आएगा 68। सेम ऐसा इसमें था, इसमें आपको पेरीमीटर दिया गया तो साइड आ गई आपकी 20, साइड और इस डायगोनल का आधा यानी 12 और एक और ट्रिपलेट बनेगा 16, तो डायगोनल रियल में कितना होगा 32 होगा, ये डायगोनल रियल में कितना है 24 है, तो आपको यही आपको पूछा गया, तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा 1/2 24 × 32। ओके सोल्व करोगे तो क्या आएगा 284। ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि अगर अगर पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम में 14 और 35 एंड आपको बोला गया एरिया 1176, देन पूछा गया आपसे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस जो होता है, ठीक है डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट, और ये हाइट के बारे में आपसे पूछा गया है तो ये आपको निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 1176, क्या आएगा 1176। ओके अब यहाँ पे ध्यान देना, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस 2 को इधर लेके जाओगे, अरे ये दे रखा है दोनों को ऐड कर लो 35 और 14, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 49, तो 49 इंटू यहाँ पे एच इज इक्वल में कितना आएगा 1176 × 2, 2 और 2 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल सारे के सारे है, सारे के सारे 4 के मल्टीपल है, बाकी इसमें काट लो और इसके अलावा क्या बचेगा आपके पास 4 और यहाँ पे 9 × 4 = 36, 8 का मल्टीपल, 8 के भी सारे है, तो काटो भाई इसको, काटोगे तो यहाँ पे कितनी बार आएगा, 2 बार कटेगा, ठीक है कितनी बार कटेगा यहाँ पे 2 टाइम कटेगा और यहाँ पे 4 टाइम कटेगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी 48, कितनी हो जाएगी हाइट 48 हो जाएगी, 96 भी आंसर है 48 भी आंसर है, अलग अलग आंसर है, तो 48 आंसर दिया है शुभी ने, प्रदीप ने, राहुल ने, ओके और 96 क्यों दे रहे हो भाई, क्या कर दिया आप लोगों ने, मेंचुरेशन कितने दिन से स्टार्ट हुआ है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ऐसा कहना चाह रहे हो, तो दिनेश मेंचुरेशन को कई दिन स्टार्ट हो गए, एक दिन में 20 क्वेश्चन ही चल पाते हैं अपने, 20-25 क्वेश्चन, सवाल पे आ जाइए, कई देखो ये मेंचुरेशन मैंने बहुत पहले स्टार्ट करवाया था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर बीच बीच में और चैप्टर्स करवा दिए, तो ऐसे स्टार्ट का तो ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है, काफी दिन पहले स्टार्ट करवाया था मैंने, ठीक है लेकिन प्लेलिस्ट प्रॉपर बनी हुई है आप जाके देख सकते हैं, ठीक है आनंद कुमार देखो सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एंड जीडी, इन चारों के मैं चैप्टर वाइज लेके आऊंगी, यहाँ पे चैप्टर वाइज सारों के सॉल्यूशंस आएंगे, अभी मेरी जो सैटरडे को क्लास है सैटरडे को सीजीएल के जितने भी एडवांस मैथ में पूछे गए थे, अब मेरी हर सैटरडे को लॉन्ग क्लास आएगी, हर सैटरडे को मैं लॉन्ग क्लास में आपके चैप्टर वाइज करवाऊंगी इनके, और इस सैटरडे सीजीएल में जो एडवांस मैथ में पूछे गए थे वो सारा है, नेक्स्ट सैटरडे को इन चारों के परसेंटेज वाले जो चैप्टर्स हैं वो सारे हैं, हर सैटरडे मेरी लॉन्ग क्लास आने वाली है, तो आप तैयार रहो उसके लिए, और जो बीच में चलेगी वो आपकी बुक वाली सीरीज चलेगी, ठीक है ओके अगले सवाल पे बढ़ जाए, अब इस सवाल को लगे हुए काफी देर हो चुकी है, ध्यान देना इस पे सभी बच्चे और आंसर देना, कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास कितना है, पहिए का व्यास है 14 तो रेडियस कितनी होगी 7, ठीक है द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसिकल कितना 14 सेंटीमीटर, आगे बोल रहा है कि साइकिल चालक जो साइकिलिस्ट है वो क्या करता है टेक 30 मिनट टू रीच ए डेस्टिनेशन, 30 मिनट यानी आधा घंटा लेता है कहाँ अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए,
आगे आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर जो होता है वो होता है 2πr, क्या होता है 2πr। ओके तो कितने चक्कर लगाएगा नहीं पता, लेकिन ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, आधा घंटा लग रहा है और 11 किलोमीटर पर आर। लेकिन एक बात ध्यान देना सारे बच्चे, ये जो आपका ये 14 जो है 14 सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में, 11 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करोगे, बदलोगे तो किससे गुणा करोगे, 10 की पावर 5, यानी आप किससे गुणा करोगे, यहाँ पे 1 लाख से। ये हो गया सेंटीमीटर बटे, यहाँ प्रति घंटा है लेकिन ये मिनट में दे रखा है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप आर में चेंज कर सकते हो। आर में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2πr, ठीक है, इंटू आर का मतलब 7, इंटू आपका एक्स है, बराबर क्या है 11, और ये आएगा, चलो इसको रहने ही दो आप, नहीं तो फिर गड़बड़ करेगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ओके, इंटू 1/2। तो आपको पता है ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आ गया, ये लो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 का भाग दोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 और 00। कितने चक्कर लगाएगा वो लगाएगा 12,500 चक्कर, कितने 12,500 यहाँ पे चक्कर लगने वाले। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, क्लियरली, बहुत बढ़िया। एलजेब्रा की क्लास कब तक करवाएंगे विनीत? एलजेब्रा एडवांस मैथ में सारा सब कुछ होगा उसमें, है ना, और इस बुक से एलजेब्रा उसका नंबर अभी कुछ दिनों बाद आएगा। विनीत मैंचुरेशन के 257 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके सामने, लग रहा है ये सारे के सारे क्वेश्चन यहां तक मैंने करवाए। अगले सवाल पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो वैसा ही क्वेश्चन है पिछला वाला। ओके ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, ये साइकिल के पहिए का डायमीटर वही है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, वही आंसर आ जाएगा, कितना 12,500, ठीक है, ये टाइप गलत हो गया या दोबारा टाइप हो चुका है। अगले वाले सवाल पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलजेब्रा की क्लास अभी नहीं आए, अभी मेंचुरेशन के लगभग आज के क्वेश्चन करवाने के बाद 80 क्वेश्चन बचे हैं वो करवाऊंगी मैं, देन उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करवाऊंगी, और एडवांस मैथ, अभी एडवांस मैथ में ये 2 चैप्टर, अभी मैं अर्थमेटिक भी करवाऊंगी क्योंकि कुछ बच्चों को अर्थमेटिक का इंतजार है कि अर्थमेटिक हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसके बाद अर्थमेटिक के चैप्टर होंगे। बताइए क्या हो सकता है, देखिए आपको बोला गया है 168 सेंटीमीटर लेंथ की एक क्या है, सर्कुलर क्या है, वायर है, उसको काटा जाता है, काटा जाता है और क्या बनाया जाता है, उसको रेक्टेंगल बनाया जाता है, रेक्टेंगल बनाया जाता है, तो उसकी जो साइड है वो है आपकी 5:7, भुजाएं जो है 5:7 में है, तो डायगनल की लंबाई कितनी होगी, क्या पूछा गया डायगनल की लंबाई, तो ध्यान देना यहाँ पे डायगनल जो होगा, डायगनल क्या होता है आपका, डायगनल होता है अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर, इसमें कोई सी भी लेंथ मान लो, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा, लेंथ यानी 25x² प्लस में क्या आएगा 49x², दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 74x², यानी फाइनली एक तो अंडर रूट के अंदर आपको संख्याएं दे रखी है, 74 में क्या है 2 × 37 जो कि एक प्राइम नंबर है, 37 का मल्टीपल ढूंढने में तुम्हें समस्या आएगी, या तो तुम देख लो कि 37 का कौन सा मल्टीपल, 74 का कौन सा मल्टीपल है, देखो ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें ओड नंबर है, हमें इवन नंबर मिलेगा, डेफिनेटली इवन नंबर मिलेगा, ये भी नहीं होगा, और ये तो वैसे भी दोनों है, तो इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा आपका, कोई सा भी ले लो, है ना, ओके, इन दोनों में से क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा बी बराबर डी। ओके बाकी तुम्हारा मन है कि मैम x का मान निकालें, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पेरीमीटर है जो किसके बराबर है, 5x + 7x के, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12 1 जा और 12 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे कितनी आ गई, 14 आ गई, या तो आप इसको 196 से मल्टीप्लाई कर लो, 74 × क्या आ जाएगा, 196,
ये आ जाएगा, इस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जीरो ओड नंबर है या इवन नंबर है, कौन बताएगा इसके बारे में? जीरो ओड नंबर है या इवन नंबर है, इसके बारे में कौन बताएगा? अगला सवाल, कि आप लोगों से पूछ रही हूं मैं कि जीरो ओड नंबर है या इवन नंबर है, आप लोग ही बताओगे, और तो कौन बताएगा, बताओ। चलो बिल्कुल आशीष, मैं दूंगी अभी थोड़ी देर में जवाब, तब तक आप लोग सोचो, सभी बच्चों को सोचने का मौका मिलना चाहिए, है ना? तो सभी अपना अपना दिमाग लगाएंगे तो पता तो चलेगा कौन क्या सोच पा रहा है। इवन है जीरो, इवन है शायद, इवन नंबर है। हिमांशु बोल रहे इवन, राजा बोल रहे इवन, बाबू, दीपक, ओड नंबर है। ओके, ना इवन है ना ओड है। ओके, कुछ नहीं है, इवन है। लास्ट डिजिट मैच नहीं हो रहा, कौन से में, पिछले में? नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसमें कोई सा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन गलत भी तो हो रहा है, तो हो सकता है गलत हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, बट करेक्ट आंसर आपका ये होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, ओके, जीरो होल नंबर है, बताइए इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से देखो इसके बारे में, सोचो। 192 आएगा। मैम चाय ठंडी हो गई है, पहले आप चाय पी लो, वो चाय नहीं है, वो गर्म पानी है ना, और चाय तो नहीं है, लेकिन गर्म पानी पीना चाहिए सुबह, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो देखो जीरो जो होता है ना, पहले क्या हुआ, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर जो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये चलते जाते हैं एन तक, ठीक है, या इन्फिनिटी बोल सकते हो, ये नेचुरल नंबर है। ओके, फिर बाद में जब ये नेचुरल नंबर थे आपके, जब ये सारे नंबर थे इंटीजर में थे, लेकिन इंटीजर में जीरो नहीं था, होल नंबर नहीं थे, तो डेफिनेशन दी गई थी, डेफिनेशन यानी परिभाषाएं दी गई थी मैथ में। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, कि जो इवन नंबर होता है ना, इवन नंबर वो होता है वे प्राकृतिक संख्याएं, क्या बोला गया, वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से डिविजिबल हो, वे प्राकृतिक संख्याएं, ओके, जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो, उसके अकॉर्डिंग जो है, यहां पे आप देखेंगे तो इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। लेकिन जब जीरो की खोज हुई, जीरो की खोज बाद में की गई, आर्यभट्ट ने करी, जब जीरो की खोज हुई तो कंप्लीट नंबर हो गया, कंप्लीट यानी पूर्ण संख्या, कंप्लीट यानी पूर्ण संख्या हो गई आपकी। ओके, पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, ये हो गया। उसके बाद इस डेफिनेशन में कोई चेंजेज नहीं हुआ। ओके, इस डेफिनेशन में कोई चेंजेज नहीं हुआ, बोल कि बस पूर्ण हो गया, इसको इसी वजह से पूर्ण नाम दिया था कि भाई संख्याएं पूर्ण हो चुकी है, अब हमारी जो है गणित कंप्लीट हो गई है, लेकिन डेफिनेशन जो पहले से थी उनमें कोई चेंजेज नहीं हुआ। इस वजह से जीरो जो है ना तो इवन नंबर में आता है ना ओड नंबर में आता है। ठीक है, बाकी जीरो डेफिनेशन दोनों प्रूफ भी कर रहा है। इवन नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें दो का भाग जाए। ओके, दो का भाग जाए, लेकिन दो का भाग तो जीरो में भी जाता है, इसके अकॉर्डिंग जीरो एक क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। बट जो है ये डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग चल रही है, इसके अकॉर्डिंग चल रही है। आप 9, 10 की बुक उठा के देखोगे, जो एनसीईआरटी वगैरह जो भी पुरानी बुकें हैं, डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग चल रही है। इस वजह से जीरो क्या होता है, जीरो एक ना तो इवन है ना ओड है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई चेंजेज नहीं किया गया। हाँ, जीरो जो एक है वो धन पूर्णांक आप बोल सकते हो, या सम धन पूर्णांक बोल सकते हो, सम धन पूर्णांक बोल सकते हो, कि ये पूर्णांक में शामिल हो गया है। ओके, चलिए अब आ जाइए अपना सवाल पे, सवाल कर लेते हैं हम। दो ओड नंबर के बीच में एक इवन नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, नहीं ऐसे तो नहीं होता, फिर उसके हिसाब से ऐसे तो नहीं होता है ना। ओके, फिर तो आप -1 और ये भी करोगे, उसका क्या है? ठीक है,
अगर आप देखा जाए तो सम संख्याओं तो नेगेटिव वाली भी होती है, लेकिन जो डेफिनेशन दी गई थी वो क्या दी गई थी, वे संख्याएं जो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाज्य होती है। चलो इस पे आ जाओ, है ना, यहाँ ध्यान देना सारे के सारे बच्चे, ये क्या है यहाँ पे देखिए, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, एबीसी में क्या है, बीसी के समांतर पैरेलल एक साइड है, और जो साइड है वो एबी और एसी को डीई पर काटती है, डी और ई पर काटती है, डी और ई पर काटती है, तथा बिंदु डी एबी को, बिंदु डी एबी को 1:4 में डिविजिबल डिवाइड करती है। ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एरिया, इस पूरे वाले का एरिया यानी 200 है, तो छोटे वाले का एरिया निकाल लो, ये वाला पूछा गया है ना, इस वाले का एरिया निकालो, यानी यहाँ पे क्या बोलोगे, x बराबर क्या हो जाएगा, इसकी साइड का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका होल स्क्वायर 1, यहाँ से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 जो एरिया है वो इस वाले पार्ट का है, तो आपको इस वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल 200 है, माइनस करोगे 8 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 192 और क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जो है वो कहना चाह रहा है आपका कि 3 सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर अरेंज इन सच ए वे दैट ईच सर्किल टचेस द अदर 2 सर्किल, 3 सर्किल है वो इस तरह से व्यवस्था की गई है उनके लिए कि तीनों में क्या होता है, दो एक जो है बाकी दोनों को टच कर रहा है, तो कहने का मतलब इस तरह से है, एक सर्किल है तो बाकी दोनों को टच कर रहा है, ये लीजिए ये दोनों को टच कर रहा है, तो कह रहा है ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा ऐसे पूछा गया है, ये देखिए आप रेडियस आपको बोला है 21 सेंटीमीटर, तो ये 21, ये 21, ये 21, 21, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस त्रिभुज का एरिया, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकालेंगे, राइट, इस त्रिभुज के एरिया में से यहाँ पे जो एरिया है ये खंड वाला, ये एरिया माइनस कर देंगे, इसको क्या बोलोगे, वृत्तखंड या त्रिज्याखंड, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है सारा निकाल दोगे, देखो अंडर रूट 3, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर यानी 42 का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 3 × पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर यानी 21 का स्क्वायर, थीटा बटे 360 यानी थीटा आएगा 60/, और यहाँ पे 360 क्यों आया, क्योंकि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ओके, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, ध्यान देना सारे बच्चे, यहाँ से ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 21 का होल स्क्वायर, 21 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 3 × यहाँ पे 441 माइनस, ये यहाँ पे कटी जाएगा 2 times, ओके, और पाई बाई 2 का मतलब फिर कट जाएगा, तो 441 इन दोनों में है, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे, यहाँ पे देखो पाई बाई 2 यानी यहाँ पे हो जाएगा अपना 21 × 21 डिवाइड बाय 7, ठीक है, और ये आ जाएगा 22 और डिवाइड बाय 2, तो यहां से आया 11, यहां से आया कितना, यहाँ पे आया 3, तो ये लो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ लिख देती हूँ मैं 441 अंडर रूट 3 और माइनस में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 21 × 3 = 63 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा आपका 693, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को, मैम मैं नया हूँ, वेलकम है आपका हमारी क्लास में एंड हमारे चैनल पर, और बाकी सभी बच्चे आंसर दो भाई, डी आ रहा है, डी वाले बालको क्या कर रहे हो आप लोग, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, सभी प्रकार के आंसर आ रहे हैं, हाँ तो ए आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है,
देखो इतना तो पता चल चुका था हमें, 441 आएगा, अगले वाले में भी सब कुछ कैंसिल होने वाला है। तो 441 दो ऑप्शन में थे, लेकिन आगे हमने देखा 63 का ज्यादा कुछ नहीं, तो 6 तो इधर आएगा ही आएगा, इतना तो कम से कम बनता ही है। तो यहाँ इतना दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ आइसोसेलेस्ट्रेंगल, फिगर कहाँ पे गिवन है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाई दे रहा है सभी को? अमन राज, मैम आज पहला क्लास है, समझ नहीं आया। अमन इसकी मैंने बहुत सारी वीडियो करवाई है, कम से कम 8-9 वीडियो है, पता नहीं कितनी सारी वीडियो हो चुकी है पहले से, तो आप एक बार शुरू वाली क्लासेस देखो, क्योंकि अभी मैं एक तरह से प्रैक्टिस करवा रही हूँ और मैं जितना हो सक रहा उतना जल्दी करवा रही हूँ, है ना। तो बेसिक से अगर मैं समझाऊंगी तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके हो ही नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। मैम इस बुक में सर के खुद के बनाए क्वेश्चन है क्या? नहीं, खुद के बनाए नहीं, ये प्रीवियस ईयर के डाले हुए क्वेश्चन है, और ये बुक जो बनी थी उस टाइम पे 2015 में बनाया था, 2014-15 में बनाया था, उस टाइम पे लेवल बहुत कम आता था, अब दिन प्रतिदिन लेवल बढ़ रहा है। ये बुक एक तरह से आपका बेसिक क्लियर करती है, साथ के साथ में आपको चीजें भी सिखाती है कि ऐसे होती है। बाकी अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो उस केस में आप इस बुक को सोल्व करने का मतलब चीजें क्लियर करना, है ना। ओके बाकी तो आपको एडवांस चीजें और पढ़नी पड़ेंगी, ऐसे मत सोचो कि इस बुक को करने से मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 100% तब होगा जब आप सारी चीजें 100% कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हो और आगे की चीजें भी देखो। देखो दिन प्रतिदिन लेवल बढ़ रहा है चीजों का, कम नहीं हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल पुष्पेंद्र, मुझे लगा आप लोगों को दिखाई दे जाएगा, क्या पता मुझे नहीं दिखाई दे रहा हो। ओके तो यहाँ इसका डायग्राम उड़ा दिया गया है, डायग्राम उड़ा दिया गया तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके बनाना पड़ेगा, चलो हम ही बना लेते हैं, अब नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम फिर भी थ्योरी के साथ पढ़ाओ, देखो अमन मैं ये कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ, शुरू में मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था नॉर्मली, ठीक है। आप मेरी बेसिक से शुरू की क्लासे देखो, अभी तो क्या ये मैंने 262 क्वेश्चन कम से कम इसकी, आप यकीन मानो कि कितनी 15 तो नहीं हो पाई होंगी, 13 क्लास आराम से हो गई होंगी, आराम से 29 को सीजीएल मेंस का और मॉक में 160-170 से ज्यादा स्कोर नहीं हो रहा। हिमांशु आप पेपर का लेवल चेक कर लो भाई, आप कौन सा पेपर दे रहे हो, अच्छा दे रहे हो तो अच्छी बात है, 160-170 ठीक है, डीमोटिवेट मत हो, आगे और होगा, है ना। अभी ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन आप जो जो आपके गलत नंबर आ रहे हैं भाई, नंबर तो कट ही रहे होंगे ना कहीं, तो आप देखो किस वाले पार्ट में आपके नंबर कट रहे, उस पर थोड़ा सा काम करो, उसकी बेसिक चीजें जानो क्या है, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, देखिए इसका डायग्राम बनाओ भाई, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है कौन सा, ए बी ई, ये ए है, ये बी है, ये ई है। आगे कह रहा है बी ई बराबर है ए बी के, बी ई कितना है, बी ई यानी ये वाली ए बी के बराबर है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए बी इज इक्वल में ट्वाइस ऑफ ए डी, ए बी इज इक्वल में ए बी ये रहा ट्वाइस ऑफ ए डी, ए डी में यहां पे बना लू, ओके यहाँ पे अगर मैं बना लेती हूँ ट्वाइस ऑफ एडी, अगर मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है, एक बार के लिए मैंने मान लिया एडी यहाँ बना लो, और तो कहाँ बनेगा, अंदर ही बनेगा और बाहर बनेगा, तो बाहर भी बन सकता है। ए बी जो है एडी के क्या है, ट्वाइस है, डबल है, क्या है ये, ओके तो एडी का मान अगर एक है तो इसका मान दो होगा, ऐसे कहना चाह रहा है ये, ओके। तो आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे कह रहा है कि ए जो है पैरेलल है डीसी के, तो ये हो ही नहीं सकता, डीसी कहां से आ गया, ए पैरेलल है डीसी के, तो भाई ये डीसी वाला कहां है, अंदर तो है ही नहीं, बन ही नहीं सकता, डीसी इधर करोगे तो पैरेलल नहीं होगा, इधर करो तो पैरेलल हो सकता है, ओके। आगे कह रहा है ट्रेंगल हो रोम्बस क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी नहीं, नहीं ए बी सी डी ऐसे नहीं हो सकता, इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ, ध्यान दो अगला, इसको वापस से बनाते हैं, ये डायग्राम भी उल्टा पुल्टा है, ए बी और ई, ए बी ई आपको दे रखा है, ठीक है, ये तो ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। आगे कह रहा है कि ए बी जो है ये वाला मान है वो किसी ए डी की क्या है, ए डी के आपके आधा है, ए डी के आधा है, तो डी बाहर बना ले, इधर बना ले क्या डी, ये बना लो डी, ओके यहां पे बना लो डी, तो ठीक है, आधा है मतलब अगर ये दो है, ये पूरा
इसका अगर दो है तो ये कितना होगा, एक होगा, ऐसे ही आपको कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, इस तरह से आपको कहना चाह रहा है। आगे देखिए, आगे कह रहा है डीसी जो है ए के पैरेलल है, ए और डीसी, डीसी यहाँ पे लगा लो आप, यहाँ पे बना लो आप डीसी, ठीक है डीसी, ओके इधर इसको बढ़ा लिया मैंने, ये लगा दिया डीसी, ओके। अब क्या कहना चाह रहा है, डीसी के पैरेलल कर दिया ए क्यों, ओके। अब आपको कहना चाह रहा है ए बी सी डी, भाई डायग्राम तो बन गया है और आपको ये आपको पूछा गया है, डायग्राम आपका बन चुका है और आपको ये पूछा गया है, तो अब यहाँ पे बताइए क्या हो सकता है, यहाँ पे बताइए। तो एक काम करो, ये वाला हो गया, ये टू है, ये वन है, ये टू है, इस वाले के बारे में कुछ बात नहीं हो रही, ट्रेंगल बना लेते हैं ना अपन, पैरेलल है तो क्या देखते हैं, यहाँ पे ये कर लेते हैं, ये लीजिए इसको कोई पॉइंट नाम दे दो पी, ओके क्या नाम दे दिया आपने, पी पॉइंट नाम दे दिया, ये लीजिए, ये वाला एरिया पूछा गया है आपको, ये वाला एरिया दे रखा है ओवरऑल 72, ये वाला 72 दे रखा है, ओके। और आपको बोल रखा है कि ये जो है ना ए, ए इस डीसी के पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है, तो इसका आधा आधा ये हो जाएगा, तो 72 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 144 आ जाएगा ना, क्या आएगा, 144 आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ओके। देखो डायग्राम इसमें था नहीं, यहाँ पे मैंने बता दिया आप सभी को, क्या बता दिया है, ध्यान देना, डायग्राम ये बाहर की तरफ बनेगा, क्या बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, कैसे बनेगा, ध्यान देना, ये ए बी है, ए बी ई हो गया, कह रहा है ए डी जो है वो कोई भुजा है, वो ए बी से क्या है, आधी है, अब अंदर हम बनाएंगे तो बनेगी नहीं, तो बाहर की तरफ बना लिया, ये ए डी हो गया, ये ए बी की क्या है, आधी है, और कह रहा है ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो आपको पूछा गया इनका एरिया तो 72, तो 72 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 144, ठीक है, ओके। बट डायग्राम समझ में आ गया ना सभी बच्चों को या नहीं आया, अगले सवाल पे आ जाइए। इसमें डायग्राम की ही कहानी थी, बाकी इसमें कोई कहानी नहीं थी, डायग्राम दिया होता तो आप आराम से कर ही लेते, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। मैम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम दिया था क्या आपने और क्वालिफाई हुआ? हाँ मैंने दिया था और हो भी गया है, पर मुझे लगता है, अच्छा आरआरबी एनटीपीसी ने मना कर दिया ना कि पेपर रिजल्ट दोबारा नहीं देंगे, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है, थ्री सर्किल ऑफ रेडियस, तीन सर्किल जो है वो रेडियस यहां पे टच कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, और आपको बोला गया है, क्या बोला गया, इसकी रेडियस कितनी है, 63, तो ये भी 63, ओके ये सारे 63, थोड़ी देर पहले ही तो किया था हमने, आपको पूछा गया ये घिरे हुए पार्ट का एरिया कितना होगा, घिरे हुए पार्ट का एरिया कितना होगा, ये वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना सारे बच्चे, वही सवाल है ये, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा डायग्राम को और इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ध्यान दीजिए सारे बच्चे, ये इसका एरिया यानी अंडर रूट 3/4 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 63 और 63, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पे 2 और 63 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देती हूँ मैं भाई, ऐसे ही तो होगा जोड़ने पर, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 πr यानी पाई 22/7, r यानी 63 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आएगा 60/360, ये आएगा कितना 6, ओके 7 से कटेगा 9 टाइम, ये कटी जाएगा 6 से 11 आ जाएगा, उसमें 11 का मल्टीपल है, और इधर कितना आ जाएगा, ये लो 63 का होल स्क्वायर 13 ज्यादा है, 13 का होल स्क्वायर होता है 169, ठीक है, 25 में अगर 24 जोड़ते हो तो 39 आता है, ओके अंडर रूट 3 आ ही रहा है, तो कितना आएगा 39 69, इन दोनों में है तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, और इधर क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट से चेक कर लो, तो 9 7 63 लास्ट में 7 आना चाहिए, तो 7 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, यानी 6 2 3 7 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। सिलेक्शन होने के बाद आप नहीं पढ़ाओगे, नहीं मेरा कोई दूसरा टारगेट है उसमें, तो कुछ ऐसा है नहीं मेरा कि रेलवे वगैरह का, तो
अगले सवाल पे आ जाओ। रवि का सीजीएल में अच्छे सवाल आते हैं, सुंदर सुंदर ऐसे ही सवाल आते हैं। देखो सीधी सी बात है, जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही सवाल आते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई अलग हो उसमें अलग हो, बस थोड़ा लेवल का 20-19 का फर्क होता है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि सीएचएसएल के नाम पे आपको इतना नॉर्मल पेपर दे दे। एमटीएस का आपने देखा, एमटीएस का काफी अच्छा पेपर आया था, जैसा बच्चे उम्मीद नहीं करके गए थे वैसा आ गया था। ओके सुबी बोल रही मैम 626 626 रिपीट करवाओ। ठीक है चलो एक बार 65 कर लेते, ये वाला कर ले। ओके क्या करवाना है उसमें, डायग्राम नहीं बना या क्या दिक्कत है उसमें, ये है क्या? हाँ ये वाला क्या दिक्कत है भाई इसमें। देखो ये कह रहा है ये दो है, तो ये दो है और ये कितनी होगी, पैरेलल हो जाएगी इसकी। ठीक है तो यहाँ पे ये वन, तो यहाँ पे ये बोल रहा है ये वाला इसके इक्वल है, पैरेलल है, तो यहाँ पे ये दो और इसको वन मानोगे आप। ठीक है तो एक काम करो, अगर आपको समस्या आ रही है तो इसका बेसिक से आप कर लो, बेसिक से कर लो, क्योंकि इस ओवरऑल का आपको क्या दे रखा है, एरिया 72 दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, 72 दे रखा है। और यहाँ पे जो एंगल, इन दोनों के ट्रेंगल को आप सिमिलरिटी से करो। देखो सुबी यानी आरती, देखो ध्यान देना बेटा, देखो यहाँ पे ये दोनों ट्रेंगल में क्या है, यहाँ पे इस वाले में और इस वाले ट्रेंगल में क्या करो आप, सिमिलरिटी से करो इसको, है ना। एक बार करने का प्रयास करना, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, ये बात इसने कही है। अगर ये पैरेलल है, बीच में कोई लाइन बनी हुई है, क्या मैंने आपको बताया नहीं था ऐसा, है ना, जब आपको वहां पे पढ़ाया था तो वहां पे भी बताया था, ये आपके इसमें सिमिलरिटी लग जाएगी, या तो आप सिमिलरिटी लगा के कर लो, या मैंने बोला ये 72 है क्योंकि ये इसने कंडीशन दे दी है, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या एक दोनों इक्वल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके समद्विबाहु त्रिभुज है, इस तरह से हो गया। और ओके तो यहाँ वाला जो डायग्राम ये बन रहा है आपका, ये बोल रहा है ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या है, आधी है, इस वाली साइड की क्या है, आधी है, और ये वाली भुजा, ये वाली डीसी है, इसके पैरेलल है, डीसी क्या है इसके पैरेलल है, तो इन दोनों ट्रायंगल में बड़े वाले में और छोटे वाले में क्या लगाना, सिमिलरिटी लगाना, और उससे हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले वाले सवाल पे। मैंने YouTube पर तुक्का लगाने की वीडियो देखी थी इसलिए इतने नंबर बन गए। पुष्पेंद्र ये तो गलत बात मत बताओ बच्चों को, नहीं सारे बच्चे तुक्का ही लगा के आएंगे फिर इनके नंबर ही नहीं आएंगे। ओके करो उसको एक बार खुद से करना, बाकी सवाल तो मैंने समझा दिया, ध्यान देना इस पे, ध्यान देना सारे बच्चे। देखिए देखो ध्यान दीजिए, एक स्क्वायर जो है इसका एरिया आपको बोला गया है, तो आपको पता है एरिया यानी साइड का स्क्वायर होता है 48, तो साइड कितनी हो जाएगी, साइड हो जाएगी 4√3, क्योंकि 4 4 जा 16 16 3 जा 48। अब यहाँ पे ध्यान देना, कह रहे डायगनल कितना होगा, तो डायगनल होता है √2 × 4 × √3। ठीक है तो कितना हो जाएगा, 4 √8 नहीं 4 √6। कहाँ पे है, 4 √6, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है कि समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल, नहीं इक्वी नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 64 है। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड बराबर तीसरी अलग, और कह रहा है उसका आधार, आधार यानी अलग वाली भुजा जो उसकी समान भुजा है उसका 5/6 है, यानी अगर 5/6 सही है क्या, प्रत्येक बराबर भुजा के 5/6 गुणा है, नहीं नहीं 5/6 गुणा कैसे हो सकता है, 5/6 ओके प्रत्येक बराबर भुजा, तो यानी ये 20 अगर आप मानते हो, 20 मानते हो तो भाग ही नहीं जाएगा। ओके ये थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है ये ऐसे होना चाहिए क्योंकि 6/5 है, इस तरह से होना चाहिए। ओके देखो आधार जो है, आधार यानी बेस ये वाला, ये कह रहा है इक्वल जो साइड है उसका 5/6 है गुणा है भुजा के 5/6 गुणा का बराबर है, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, और ये क्या हो जाएगा, हाँ इक्वल जो साइड है वो आपकी 6 होनी चाहिए।
ठीक है, और ये 5 होगा तो ये बैठेगा नहीं सवाल, ये सवाल बैठेगा नहीं, इस तरह से इसको सही कर लेना, इसको 6/5 कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं होगी और फिर तुम गलत करोगे। इंग्लिश में, इंग्लिश में भी 5/6 है, इसको भी 6/5 कर ले, ठीक है। वोकेबलरी कहाँ से पढ़े, बुक का नाम बताओ, बुक का नाम सोनी मैम पढ़ाती है ना, वोकेब आप वहां से पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम। ओके, बुक वहां से पढ़ो, है ना, आप बुक जो भी है वो पढ़ा रहे हैं, वो इतना बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 6/5 समझ में आ गया। अब देखो, अगर ये 6 है, ये 6 है, ये 5 और ये 5, मैं आपको एरिया निकालना बता देती हूँ, ध्यान देना सारे बच्चे, देखिए 5/5/6 मतलब 5 और 5 10 और 6 16, 16 का मान 64 है, 16x की वैल्यू अगर 64 है तो x का मान कितना आ जाएगा 4, तो ये किसी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 से और ये 4 से, बाद में करेंगे इस 4 से मल्टीप्लाई, अभी रहने दो इसको, है ना। आपको पता है ये 6 है तो ये आधी आधी 3 हो जाएगी, ये 5 है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये 90° की लाइन होती है तो ये 4 आ जाएगा, ये 4x आ जाएगा। तो एरिया पता है क्या होता है, एरिया जो होता है वो होता है 1/2 बेस, बेस यानी 6x इंटू 4x, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12x2, यानी 12 का मल्टीपल देखो ये नहीं होगा, ठीक है, और 8 4 12 13 ये नहीं होगा, ठीक है, और ये आपका नहीं होगा, तो बचा कौन, बी बचा, और बी आपका आंसर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देना, देखो 12 × 16 तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 192। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ कैसे पता चला कि 5/6 ना हो के 6/5 होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये 5 आएगा तो पॉइंट वेंट में आएगा, पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर है भी नहीं हमारे पास, पॉइंट के अकॉर्डिंग आंसर है भी नहीं, ठीक है, ओके। इतना कौन मैसेज करता है, चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि एक अपना ट्रेपेजियम है, ओके, और पैरेलल है उसमें साइड उतना सम है, एरिया इतना है, तो हाइट आपको बीच की डिस्टेंस पूछी गई है, तो बीच की डिस्टेंस होगी 1/2 इंटू हाइट निकालनी है, एंड दोनों का पैरेलल का सम तो कितना हो जाएगा 66 इज इक्वल में क्या आएगा 792, तो ये एक बार कटेगा फिर दो बार कट जाएगा, तो हाइट आ गई आपकी 24, हाइट क्या आ गई 24, ओके 36 आएगा राहुल, 24 आएगा बेटा, है ना, क्या गलती कर रहे हो, देख लेना एक बार। अगला सवाल, अगला सवाल देखो, आपको चतुर्भुज का परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, परिमाप का मतलब होता है 4 × साइड, 4 × साइड 40 है, तो आपकी साइड कितनी है 10 है, आपको एरिया पूछा गया, एक डायगोनल आपका 16 है, तो मैंने कहा था डायगोनल जो दे रखा है आपको उसका आधा कर दीजिए, दूसरा डायगोनल जो है उसका भी आधा, तीनों ट्रिपलेट बनाएंगे तो 10 8, और तीसरा ट्रिपलेट कौन सा होता है 6, कौन सा होता है 6 होता है, ओके, आपने आधा किया है तो इसका मतलब 6, और ये हो गया आपका 6 का डबल 12, एरिया क्या होता है 1/2 डायगोनल का होल, डायगोनल का मल्टीपल काटोगे तो कितना आएगा 9, यहाँ पे 12 8 जा 96, बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र, रोहित, सुबह, बहुत बढ़िया, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट देखो, फिर से वही सवाल, अब की बार पेरीमीटर पूछ लिया है, तो मैंने क्या कहा था, डायगोनल का आधा यानी 18, इस डायगोनल का आधा यानी 24, और जो साइड होगी वो तीनों ट्रिपलेट बनाएंगे। अब कैसे पता करें कि ट्रिपलेट क्या बनेगा, तो आपको पता है इसमें किससे कट रहा है, ये 6 3 जा हो रहा है, ये हो रहा है 6 4 जा, तो आपको 3 4 और 5 ट्रिपलेट होता है, 6 से आपने अलग से मल्टीप्लाई किया है, तो तीसरा ट्रिपलेट बनेगा 5 6 30, कितना बनेगा 5 6 30, और 30 अगर आपका ये आ चुका है साइड, तो पेरीमीटर कितना होगा 4 ×
30 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 120, कहां पे है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके क्या हो जाएगा आपका 30 आ गया, साइड को कैसे आपने डबल कर लिया भाई, परिमाप पूछा है ना, तो 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, और पुष्पेंद्र आपकी बार बार क्लास में चाय आती रहती है ना। ये 240 वाले बच्चे क्या कर रहे हो, इसको आपने साइड को भी डबल कर दिया, साइड डबल नहीं होती, साइड और दोनों डायगनल के आधे क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। ऐसे माइंड में बैठा लो थोड़ा सा अच्छे तरीके से, है ना। अगले सवाल पे आजी, मैम आपका फोन ठीक हो गया है क्या, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है। नहीं अभी नहीं हुआ, फोन ठीक नहीं हुआ, फोन ठीक तो होना भी नहीं है, खैर उसको करवाना भी नहीं है, फोन अभी न्यू ऑर्डर कर रखा है तो वो मार्केट में थोड़ी शॉर्टेज चल रही है उसकी, और थोड़ा कलर का होता है ना, देखो फोन में जो कलर आ रहा है, जो मुझे चाहिए वो कलर अभी आ नहीं रहा, जहां से मुझे लेना है ठीक है वो आ जाता है, तो वो आ जाएगा, 2 5 दिन का नाम लिया है। ओके तो जब नया कोई फोन लॉन्च होता है तो मार्केट में शॉर्टेज चलती है, तो फोन की ऐसी शॉर्टेज चल रही है और कलर की और ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, तो इस तरह से अभी वो आ जाता है, कब आएगा आया नहीं, 2 5 दिन की बात है मेरे हिसाब से। ध्यान देना सारे बच्चे, एक पहिए की रेडियस कितनी है 14, 15 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 15 चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में होता है 2πr, 2 × 22/7 इंटू में क्या आ जाएगा आर, यानी 14 काटोगे तो 2, तो 15 × 30, 30 × 60, तो 60 × 22 यहाँ पे कितना आएगा 0, 6 × 12, 12 × 1 = 13, तो कितना आ जाएगा 1320 चक्कर कटेगा, कितने काटेगा 1320 चक्कर काट लेगा ये। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, और व्हाट्सएप तो मैं आज यूज कर लूंगी इसमें, वैसे फोन है मेरे पास ऐसी बात नहीं है, बट यही है कि मैं सोच रही हूँ यहाँ से इसको वापस ओपन करो फिर वहां ओपन करो, इस चक्कर में चला नहीं गई। ठीक है, कौन सी कंपनी का है, सारी बातें बता दें आपको, अगला सवाल देखो, अगला सवाल और आज की क्लास का अपना आखिरी सवाल, जल्दी करते हैं फिर मेरी रीजनिंग की क्लास होगी, बताओ क्या हो सकता है। बोल रहे ना डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस यानी 2πr एंड आपको रेडियस का डिफरेंस दे रखा है 111, यहाँ रेडियस कॉमन लीजिए, रेडियस ही तो पूछा है, एरिया पूछा है। ओके एरिया पूछा है तो 2π यानी 22 × 44/7 माइनस में 1 इज इक्वल में 111, तो r इंटू 37 आएगा, डिवाइड बाय 7 इज इक्वल में 111, काटोगे 3 टाइम कटेगा, तो रेडियस इज इक्वल में क्या आएगा 21। तो कह रहा है एरिया बताओ, तो एरिया बताइए कितना हो जाएगा, एरिया बताओ 21 में 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल ढूंढो, ये आपका 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ये भी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मैम जी, मैं यही वाली बुक लिया हूं पर उसमें इसको नहीं हो रहा है, मैंने जी बता दो कि आप जानकारी क्या नहीं हो रहा। राहुल कुमार मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही, आप क्या कहना चाह रहे, देखो उसका मुझे आइडिया नहीं है, है ना, कोड वगैरह का मुझे ऐसे कोई आइडिया नहीं है। ओके
चलिए दोस्तों, ये क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 270 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 80 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जिन बच्चों ने शुरू से क्लास नहीं देखी, एक बार शुरू से देखना। शुरू से मैंने थोड़ा और आराम से उसको बता रखा है, क्योंकि अभी जैसे भी आप कोई भी टाइप के, एक टाइप के आप 250 क्वेश्चन कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आराम आराम से ज्यादा बताना चाहिए। बट आप शुरू से देखो, जो बच्चे बीच बीच में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम बहुत स्पीड से पढ़ा रही है, और स्पीड का मतलब है एग्जाम में, एग्जाम के तरीके से पढ़ा रही हूँ कि एग्जाम में आपको कैसे करना है। धीरे धीरे अगर आप सीखोगे करोगे, वो तो एक सीखना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। तो अगली क्लास अपनी शाम को रीजनिंग की होती है 7 बजे, और ये क्लास डेली सुबह 8:30 बजे होती है, ठीक है दोस्तों।